अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम अपना फोर्थ लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हम डेटा फिल्टरिंग के बारे में पढ़ रहे थे। तो लास्ट टाइम हमने देखा कि हमने एक क्वेरी लिखी थी ये आपके सामने कि हमें वो वाली प्रोडक्ट्स चाहिए जो जिनके लिस्ट प्राइस 1000 से ज़्यादा हो। तो इसमें हम डिफरेंट तरह के ऑपरेटर्स यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट तरह के हम क्राइटेरियाज यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ये जो साइन है ये है ग्रेटर का। तो हम देख रहे हैं कि जो लिस्ट प्राइस है वो 1000 से ग्रेटर है। अगर मैं यहाँ पे लेस देन, ये लेस देन का साइन है, ये यूज़ करेंगे एग्जीक्यूट किया तो हमें वो वाली सारी के सारी वो प्रोडक्ट्स मिलेंगी जो 1000 से जिनकी प्राइस कम है। ठीक है, इसी तरह हम इसमें यूज़ कर सकते हैं लाइक मुझे चाहिए लेस देन इक्वल टू 1000। तो ये आपको वो वाले वैल्यूज़ दे देगी जो 1000 के या बराबर हो या उससे कम हो। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे है ग्रेटर ग्रेटर देन इक्वल टू। ये वाली क्यूरी क्या करेगी कि आपको 1000, अगर मैं ये इक्वल यूज़ ना करूँ तो फिर हमें सिर्फ वो वाले रिकॉर्ड मिलेंगे जो 1000 से ज़्यादा हैं। अगर हम ये चाहते हैं कि हमें ऐसे रिकॉर्ड मिलें जिनकी लिस्ट प्राइस 1000 से ज़्यादा हो या उसके बराबर भी हो, तो हम देख लेते हैं। फिलहाल कोई चीज़ हमारे पास है यहाँ पे, अगर मैं इक्वल टू 1000 करता हूँ तो हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो हम दोबारा इसको देखते हैं, हम ये है, इसको हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे हम वैल्यू डालते हैं इसकी। ये वैल्यू डाली। अच्छा, अगर मैं कहता हूँ कि अब आपको ये वैल्यू नज़र आ रही है 1431.50, अगर मैं कहता हूँ ग्रेटर देन दिस तो फिर ये वैल्यू नज़र नहीं आएगी। ठीक है, ये वैल्यू हमें नज़र नहीं आ रही क्योंकि हमें सिर्फ वही रिकॉर्ड्स मिल रहे हैं जो इस वैल्यू से ज़्यादा हैं, बड़े, जिनकी वैल्यू बड़ी है, यहाँ से ग्रेटर है। अगर मैं ग्रेटर देन इक्वल करूँ तो अब ये हमें नज़र आएगी, ये वैल्यू भी, ये वैल्यू आपके सामने ये हमें नज़र आ रही है। ठीक है, इसके अलावा हमने इक्वल का साइन भी, हमने ऑपरेटर भी पढ़ लिए। इसके बाद हम चाहते हैं कि हमें वो वाले प्रोडक्ट्स चाहिए जो जिनकी लिस्ट प्राइस 1431 के बराबर ना हो, तो उसके लिए हम नॉट का ऑपरेटर यूज़ करेंगे। नॉट के ऑपरेटर के लिए ये लेस देन ग्रेटर देन को, दोनों को आप साथ मिला लेंगे तो ये है नॉट का ऑपरेटर। अब ये वैल्यू हमें नज़र नहीं आएगी, बाकी सब नज़र आएंगी, ये सारी वैल्यू हमें नज़र आ रही हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं कि हम एक और क्यूरी लिखते हैं जिसमें हम ये कहते हैं कि जो वेट है, प्रोडक्ट का वेट वो सॉरी वेट ग्रेटर देन 0 हो। साथ में हम वेट लिख भी लेते हैं यहाँ पे ताकि हमें पता भी चले कि कौन से कॉलम की हम बात कर रहे हैं और उसकी वैल्यूज़ क्या हैं। वेट, अच्छा, अब हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं। पहले हम सिर्फ इतनी चीज़ को एग्जीक्यूट करते हैं, वेयर से पहले सेलेक्ट किया और इसको एग्जीक्यूट कर दिया। और यहाँ पे हमने देखा है ये वाली वैल्यूज़ आ रही हैं, इसमें कुछ नल वैल्यूज़ हैं, प्रोडक्ट का वेट नल है, किसी में 2 है, 3 है, 4, इस तरह की हमारे हमारे पास वैल्यूज़ आ रही हैं। अच्छा,
अगर मैं ये करता हूँ कि अभी मेरे पास कितनी रोज़ आ रही हैं, 504 रोज़ आ रही हैं मेरे पास, 504। तो अब अगर मैं ये करता हूँ कि वेयर वेट इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, देन एग्जीक्यूट किए तो मेरे पास वैल्यूज़ आ रही हैं 205। ठीक है, इसमें हमारे पास बाकी जो वैल्यूज़ थी जिनकी जिनका वेट नल था वो नहीं आ रही, और इसका मतलब ये हुआ है कि जो नल वैल्यू है वो ज़ीरो नहीं है, उसको ज़ीरो कंसिडर नहीं किया जा सकता। ठीक है, नल वैल्यू जो होती है वो एक एम्प्टी वैल्यू होती है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्रोडक्ट्स हैं कुछ और उनकी वैल्यू मिसिंग वैल्यू है, वो एम्प्टी वैल्यू है। ठीक है, उसको हम ज़ीरो के बराबर नहीं लेके आ सकते हैं। अच्छा, इसको हम देख लेते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पे, हम ये देखते हैं कि और दूसरी चीज़ ये कि नल जो है वो नल नल के बराबर भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हम ऐसा करते हैं कि मैं कहता हूँ कि इफ नल इज इक्वल टू नल हो तो हमें जो सिलेक्ट है हमें वो ट्रू सिलेक्ट ट्रू हमें दे दे। ठीक है, अगर नल नल के बराबर है, अदरवाइज वो क्या करे, एल्स केस में हमें फॉल्स रिटर्न करे तो ये फॉल्स होगी। ठीक है, इसको हम चलाते हैं कि अगर देखते हैं अगर नल नल के बराबर ही है कि नहीं, तो हमें इसमें क्या रिटर्न किए, हमें उसने फॉल्स रिटर्न कर दिए। ठीक है, जब भी हम वेयर क्लॉज में कोई भी ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं उन्हें हम जो वेयर क्लॉज होती है वो प्रेडिकेट्स के ऊपर डिपेंड करती है, और प्रेडिकेट्स एक मैथमेटिकल टर्म है जिसमें मतलब जो आपको या तो ट्रू रिटर्न करती है या आपको फॉल्स रिटर्न करती है। ठीक है, और इसमें नल नल के बराबर तो नहीं है लेकिन नल नल है। ठीक है, उसको हम कर सकते हैं वेरीफाई कर सकते हैं चीज़ को, क्या है इसको मैंने कंट्रोल कॉपी किया पेस्ट किया यहाँ पे। अगर मैं कहता हूँ कि नल जो इज़ एक कीवर्ड है, नल इज़ नल, इफ नल इज़ नल तो हमें ट्रू ट्रू रिटर्न करे, अदरवाइज हमें फॉल्स रिटर्न करे। हम इसे सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट करते हैं तो हमें ट्रू मिल गया। तो इससे हमें पता चला है कि नल नल के बराबर नहीं है लेकिन नल नल है। ठीक है, इसके बाद हम दोबारा ये क्यूरीज ये वाली क्यूरी लेते हैं, इसे हम मैंने इसे कॉपी किया क्योंकि मैं इसे इसलिए सेव करता जा रहा हूँ ताकि मैं बाद में इसे अपलोड भी कर दूँगा ये इन फाइलों को, ये जो स्क्रिप्ट हम लिख रहे हैं क्यूरीज। अच्छा, यहाँ पे हम ऐसा करते हैं कि मैं कहता हूँ कि वेयर वेट इज़ नल, अगर मैं ये कहता हूँ कि वेट इज इक्वल टू नल कहूँ फिर क्या होगा, और मैं इसको सेलेक्ट मैंने किया तो हमारे पास कुछ भी नहीं आया क्योंकि कोई भी चीज़ मतलब नल के बराबर नहीं है। नल के आप लिखोगे कि नल तो खुद नल के बराबर नहीं है तो वेट नल के बराबर कैसे आ सकता है। तो इसे हम जो मैंने आपको ऊपर वाली एग्जांपल दी है ये वाली अप्रोच हम यूज़ करेंगे, हम नल को ये नहीं लिखेंगे वेयर प्रोडक्ट इज नल है, या हालांकि हम ऊपर देखते आ रहे हैं। अगर मैं आपको दोबारा ये वाली क्यूरी चला के दिखाऊं तो आपको वैल्यू नज़र आएंगी।
सेलेक्ट किया F5, तो आपने देखा है वेट का जो कॉलम है उसके अंदर हमें नल वैल्यूज नज़र आ रही हैं, लेकिन जब मैं वेयर क्लॉज के अंदर कहता हूँ कि वेट इज इक्वल टू नल, तो वहाँ पे मुझे कोई चीज़ नज़र नहीं आती, क्योंकि नल जो है वो नल के बराबर नहीं है। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए क्या चीज़ हम यूज़ करेंगे, हम इसमें वेट इज़ नल इज़ ऑपरेटर यूज़ करेंगे, तो फिर हमें वो वाली प्रोडक्ट्स हमें मिल जाएंगी जो नल हैं। तो ये हमें हमारे पास रिकॉर्ड आ गए कि ये हमारे पास रोज़ आ गए हैं, 299 रोज़ हैं। तो इस मेथड से आप वो वाले रोज़ ले सकते हैं जो जिनकी जिनकी वैल्यूज़ नल हैं, जो जो भी आपने फिल्टरिंग क्राइटेरिया के लिए जो कॉलम आप यूज़ कर रहे हैं वो आप इस तरह लिख सकते हैं इसको। उसके बाद हम ये देखते हैं कि जो नॉट का कीवर्ड है उसको हम कैसे यूज़ करें, उसको हमने ऊपर भी उस चीज़ को देखा है, नीचे एक और इसकी एग्जांपल हम लेते हैं कि मैं दोबारा ये क्यूरी लेता हूँ, कंट्रोल इंसर्ट, इसको मैंने कॉपी पेस्ट किया और यहाँ पे मैं कलर ले लेता हूँ, प्रोडक्ट का जो कलर है, ठीक है, प्रोडक्ट का कलर लिया और यहाँ पे मैंने कह दिया कि कलर नॉट इक्वल टू रेड, ठीक है। फाइव किया तो इस कॉलम में आप देखें आपको रेड के अलावा सारे आपको कलर नज़र आ रहे हैं, लेकिन रेड नज़र नहीं आ रहा, ठीक है, जी ऑपरेटर है। और इसको हम एक और तरीके से इसको हम यूज़ कर सकते हैं, नॉट ऑपरेटर से भी इसको यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। नॉट ऑपरेटर क्या करेगा, नॉट ऑपरेटर यहाँ पे हम इसको लिखते हैं कि चलें पहले हम ये देखते हैं कि हम कहते हैं कि हमें वो वाली चीज़ें दे जो जिनका कलर रेड हो। एपोस्ट्रॉफी आप यूज़ करेंगे हमेशा स्ट्रिंग्स के लिए, और न्यूमेरिक वैल्यूज़ के लिए आपको कोई ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की। तो रेड लिखा हमने यहाँ पे, इसको क्यूरी को आप सेलेक्ट करें और F5, तो हमें सारी वो प्रोडक्ट्स मिल गई हैं जिनका कलर रेड है, ठीक हो गया। उसके बाद हम कहते हैं कि हमने नॉट ऑपरेटर यूज़ करना है, तो आप क्या करें वेयर के बाद आप नॉट यूज़ कर लें, नॉट कलर इज इक्वल टू रेड, ठीक है। इसको ये भी आपको उसी तरह ही चीज़ें वो रिकॉर्ड देगा जो जिसे हमने लेस देन ग्रेटर देन वाला साइन यूज़ किए थे नॉट के लिए। इसको एक्सीक्यूट करें तो हमारे पास रेड के अलावा बाकी सारे कलर आ रहे हैं, ठीक है, 218 हमारे पास रोज़ आई हैं। अगर हम ऊपर वाली क्वेरी को भी सेलेक्ट करते हैं, तो मैंने सेलेक्ट किया है, अच्छा 218 है, तो इसमें दोबारा इसको हम इसको रन करके देखते हैं तो 218 रोज हैं, ठीक है। ये मेथड भी आप यूज़ कर सकते हैं कि इसको आप लेस देन ग्रेटर देन साइन यूज़ करके रेड यूज़ कर लें, और या फिर आप ये नीचे वाला यूज़ कर सकते हैं कि नॉट कलर इज इक्वल टू रेड, ठीक है।
उसके बाद नॉट को आप किसी इसको नल के साथ भी आप यूज़ कर किया जा सकते हैं। इसको मैं कॉपी करता हूँ और नीचे आता हूँ, यहाँ पे एक और क्यूरी लिखते हैं, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दिया मैंने, और यहाँ पे मैं इसको एक कॉलम देता हूँ लाइक वेट, वेट का दिया। वेट के बाद मैं इसे कहता हूँ कि वेयर वेट, हमने लास्ट टाइम देखा था कि वेट का जो कॉलम है इसमें काफी नल वैल्यूज है। मैं कहता हूँ कि वेट इज, आप इसमें इस ये केस सेंसिटिव नहीं है, नल बेशक इसको कैपिटल में लिख लें स्मॉल में लिख लें, ये आपकी मर्जी है। वेट इज नल, ठीक है। इसको मैं सेलेक्ट किया मैंने और एग्जीक्यूट कर दिया, ठीक है। ये सारी नल वैल्यूज आ गई हमारे पास। अब मैं चाहता हूँ कि मैं अपना नॉट ऑपरेटर यहाँ पे भी यूज़ करने चाहता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँ, उसमें कह दूंगा इज नॉट नल, ठीक है, नल ना हो। तो हमारे पास ये चीज़ें आ गई, ठीक है, वेट ऑफ नल नहीं है। अगर हम इसी क्यूरी को एक और तरीके से अगर हम इसको लिखें कि मैं इसको दोबारा कॉपी करता हूँ और नीचे जाकर मैं इसको पेस्ट करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि वेयर नॉट वेट इज नल, ठीक है। और इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं और ये भी आपको उसी तरह का ही रिजल्ट आपको प्रोवाइड कर रहा है कि जो हमने ऊपर लिखा था वेट इज नॉट नल कह दें या नॉट वेट इज नल कह दें, ठीक है, नॉट वेट इज नल के वेट नल ना हो, या आप ये कह सकते हैं वेट इज नॉट नल, ठीक है। इसके डिफरेंट फ्लेवर हैं, जो आपको अच्छा लगे आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद इसको और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करना हो तो इसमें हम एक और पिथी का यहाँ पे यूज़ किया जा सकता है कि एक और क्यूरी मैं लिखता हूँ। मैं कह देता हूँ कि अगर मैंने दो दफ़ा नॉट यूज़ करना है, वेयर नॉट वेट इज नॉट नल, ठीक है, इसको हम, तो ये भी हमारे पास, अब दो दफ़ा हमने कहा नॉट वेट इज नॉट नल, और फिर हमें वो वही चीज़ें दिखाएगा जिन जिनमें जो वेट है वो नल है। लेकिन ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसको बेहतर यही है कि आप ऊपर वाले मेथड जो हैं उनको, अगर आपको सिर्फ नल वैल्यू चाहिए तो आप सिंपल यूज़ करेंगे वेयर वेट इज़ नॉट नल, ठीक है। तो आज आई थिंक आज का लेक्चर यहीं पे हम ख़त्म करते हैं, और कल हम नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि डिफरेंट तरह के जो हमारे पास प्रेडिकेट्स हैं उनको हमने किस तरह कंबाइन करना है, ठीक है, एक से ज़्यादा कंडीशन अगर हमने लगानी हो उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम कुछ और फिल्टरिंग ऑपरेटर्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, तो डेट्स को किस तरह फिल्टर किया जाता है। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।